पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी ने हर क्षेत्र को आहत किया है, जिसकी वजह से मानव विकास रुक सा गया हो। बात की जाए शिक्षा की तो सभी शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से बंद हैं, परंतु फिर भी सरकार के द्वारा बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं भी ली जा रही हैं। परंतु फिर भी कुछ बच्चों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्रवक्ता संघ द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या में जिला प्रधान केवल ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान बच्चों को पढ़ाई करने में आ रही विभिन्न परेशानियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पदोन्नत प्रवक्ता संघ द्वारा सरकार से मांग की गई कि जो कोरोना महामारी के फैलने से पहले बच्चों को स्कूल बैग, वर्दी और खाना दिया जाता था, उसके बदले बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑनलाइन स्टडी के लिए उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि बच्चों को पढ़ाई करने में आ रही दिक्कतों से निजात मिल सके। हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्रवक्ता संघ के प्रधान केवल ठाकुर ने कहा कि बैठक में कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार प्रयोगात्मक तौर पर बोर्ड कक्षाओं को शुरू करती है तो सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चे गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, तो सरकार बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपलब्ध करवाए, ताकि बच्चे बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सकें। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी को जिला से मांग पत्र भेजा गया। केवल ठाकुर ने बताया कि संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द प्रधानाचार्यों व मुख्य अध्यापकों की पदोन्नति सूची जारी करे, साथ ही प्रदेश भर में 475 स्कूलों के प्रधानाचार्यों के रिक्त पड़े पदों को भरे, ताकि 27 वर्षों से TGT पद पर सेवा दे रहे अध्यापक को TGT के पद से ही सेवानिवृत्त न होना पड़े। उन्होंने कहा कि TGT के प्रवक्ता को पदोन्नति की पहली तिथि से 5,400 ग्रेड पे देने सहित सेवानिवृत्त का आयु सीमा को 60 साल करने व पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना आदि शामिल है। आज की ये बैठक पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ जिला हमीरपुर इकाई की संपन्न हुई है। इसमें प्रदेशाध्यक्ष श्री यशवीर जम्वाल जी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। अगर मीटिंग में डिस्कस किए गए विभिन्न बिंदुओं पर अगर मैं चर्चा करूं, तो उनमें सर्वप्रथम इस कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी तथा पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम तो बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अगर सरकार प्रयोगात्मक तौर पर बोर्ड क्लासेस शुरू करती है तो संघ उसका हार्दिक स्वागत करेगा। अगर यह संभव नहीं हो पाता तो हमने पहले भी डिमांड की है कि सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चे गरीब बैकग्राउंड के होते हैं, गरीब तबके से संबंध रखते हैं, तो सरकार उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गजट ऑनलाइन स्टडी के लिए एवं फ्री डाटा उपलब्ध करवाए। वैसे भी लगभग छह महीने से स्कूल बंद हैं, तो इसमें सरकार वर्दी पर खर्च करती है, वाटर बोतल देने की बात चल रही है, उनको बैग देने की बात चल रही है, तो अगर ऐसे ही सत्र आधा बीत गया तो क्यों ना इस खर्चे को छोड़कर बच्चों को फ्री के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिए जाएं, ताकि बच्चे बेरोक टोक अपने घर से ऑनलाइन स्टडी कर सकें। वैसे भी सरकार ने कोरोना काल में अपने अधिकारियों को मोबाइल दिए हैं, आशा वर्कर्स को मोबाइल दिए हैं, तो हमारी भी सरकार से ये डिमांड है कि बच्चों को भी ये मोबाइल उपलब्ध करवाए जाएं। साथ ही नई शिक्षा नीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अगर मैं संघ की अपनी मांगों पर चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यह तय किया गया कि सरकार जल्दी से जल्दी स्कूल प्रधानाचार्यों एवं मुख्याध्यापकों की पदोन्नति सूची जारी करे। पिछले 27 वर्षों तक TGT की सेवा देने के बाद आज एक TGT उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहा है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में जो 1832 के आसपास वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, तो उनमें जो लगभग 475 प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं,
उनको सीधा भरा जाए। अगर प्रधानाचार्य की पदोन्नति होती है तो आगे ये पदोन्नति का चैनल चलेगा। साथ ही संघ की दूसरी डिमांड में पदोन्नति की पहली तिथि से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशन प्रमोटिंग लेक्चरर को 5400 का ग्रेड पे दिया जाए, यानी कि बार बार उसे प्रोबेशन पीरियड के दौर से ना गुजरना पड़े, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, किसी विभाग में पहली बार एंट्री करने पर यह प्रोबेशन पीरियड तो माना जा सकता है, लेकिन बार बार ही अगर यह शर्त लगाई जाती है तो यह सरासर अन्याय है। तीसरी हमारी डिमांड है कि 26/4/2010 के बाद जो हमारे टीजीटी बंधु प्रमोट होंगे, तो उस निर्णय के बाद उनसे पदोन्नति के समय विकल्प लिया जाएगा कि आपने मुख्याध्यापक बनना है या आपने लेक्चर बनना है। तो हमारी डिमांड है कि जब ये लोग टीजीटी लगे थे तब ऐसी कोई शर्त नहीं थी, तो हमारी सरकार से मांग है कि इस शर्त को हटाया जाए या वन टाइम इसमें रिलैक्सेशन दी जाए कि वे कौन, अर्थात उनसे विकल्प की शर्त हटाई जाए। साथ ही अगर हम आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 सालों में जितनी भी स्कूल प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची लेक्चर कोटे से जारी की गई है, इनमें लगभग 535 स्कूल प्रधानाचार्य लेक्चर कोटे से प्रमोट हुए हैं, तो लगभग 12 ही प्रधानाचार्य प्रमोटी लेक्चर कोटे से प्रमोट हुए हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 50% जो लेक्चरर टू प्रिंसिपल प्रमोशन कोटा है उसका 25% प्रमोटी लेक्चरर को दिया जाए, ताकि हमारे साथ अन्याय हो सके। क्योंकि जब भी शिक्षा विभाग में लेक्चरर की नियुक्ति होती है तो एक सीधी भर्ती से आता है और एक प्रमोट होके आता है, जिस तबके को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे साथ ये अन्याय है। और हमारा इस हिसाब से पदोन्नति का प्रतिशत लगभग 2% ठहर रहा है, जो कि हमारे साथ सरासर अन्याय है। तो ये डिमांडें हैं जिन्हें हम अपनी राज्य कार्यकारिणी को प्रेषित करेंगे। इन्हीं मांगों पर हमारी चर्चा हुई। जय हिंद, जय हिमाचल।